and gentlemen, this is Vivek from BCom first year. So, आप लोग में से जितने भी लोग मुझे जानते होंगे वो उन्हें शायद ये देख के आश्चर्य होगा कि मैं भी इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, बट हाँ मैं भी कभी कभार क्रिएटिविटी में भी जैसी चीज़ों को ट्राई करता हूँ मैं. दिस इज माई फर्स्ट अटेम्प्ट वीडियोग्राफी. हाँ मैं पोएम काफ़ी समय से लिखते आया हूँ, पोएम और स्टोरीज, बट दिस इज फर्स्ट अटेम्प्ट वीडियोग्राफी. आई होप यू गाइस लाइक्ड इट. तो मेरे आज की मैं जो आपको पोएम सुनाने वाला हूँ उसका नाम है जस्ट वन मोर डे. ओके, सो बेसिकली ये पोएम हमारे फैमिली मेम्बर्स पर केंद्रित है. जैसे कि हमारे यहाँ कई बार होता है कि हम घरों में अपने फैमिली मेम्बर्स की कदर नहीं करते, उनकी असली कीमत हमें उनकी गैर मौजूदगी में ही पता चलती है. मैंने ऐसा कई घरों में होता हुआ देखा है, मैंने भी ये चीज़ खुद अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की है. तो मैं उसी को अपने पोएम के माध्यम से आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा. मैं आप सभी को बता दूँ पहले ही कि ये पोएम इंग्लिश में है. सो लेट्स बिगिन. इफ आई कुड हैव जस्ट वन मोर डे एंड विशेज डिड कम ट्रू, आई वुड सेंड एवरी ग्लोरियस मोमेंट साइड बाय साइड विथ यू, recalling all the years we shared and the memories we made, how grateful I would be to have just one more day where the tears I have shed are not in vain and just fall in bliss about so many things I would let you know, the days you have missed. I wouldn't have to make pretend that you never went away. How grateful I would be to have just one more day with you. So that was the poem. Thank you guys. This is Viva signing out.